लेकर पार्टी से नाराज चल रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव झगड़ा सुलझाने में शायद अपनी माँ राबड़ी देवी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। कल पटना लौटी राबड़ी देवी उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन तेज प्रताप ने उनसे मुलाकात नहीं की और आज उम्मीद थी कि वह जेपी की जयंती पर पदयात्रा निकालने से पहले घर जाकर राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेंगे, लेकिन तेज प्रताप का काफिला राबड़ी देवी के घर के सामने से गुजर गया। उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिए बिना ही यात्रा शुरू कर दी। तेज प्रताप यादव ने पिछले शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट कर पदयात्रा निकालने के बारे में जानकारी दी थी। छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले निकाली जा रही इस पदयात्रा में उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए छात्रों का आह्वान किया है। तेज प्रताप ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो अपनी माँ राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार आज उनका काफिला गांधी मैदान के लिए निकला। काफिला राबड़ी देवी आवास के सामने से गुजर गया, लेकिन तेज प्रताप ने रुककर अपनी माँ से मुलाकात नहीं की। तेज प्रताप गांधी मैदान पहुंचकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण या इसके बाद जयप्रकाश के कलम कुआं स्थित घर पर पदयात्रा निकाले। इसके पहले मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि जिनको हमारी काबिलियत से जलन होती है वे सवाल उठाते हैं, माँ दुर्गा उनको सद्बुद्धि दे। तेज प्रताप ने सोमवार को छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से निकलने वाली पदयात्रा में शामिल होने का न्योता तेजस्वी यादव को भी दिया था। उन्होंने कहा वो अपने अर्जुन यानी तेजस्वी यादव को ही बुला रहे, वे आए उनका इंतजार होगा। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि लिस्ट में उनका नाम नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन माँ राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती का नाम जरूर होना चाहिए था। उन्होंने कहा स्टार प्रचारक सिर्फ कागजी प्रक्रिया है, लेकिन नवरात्र का समय है, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए था। ये तमाम बातें तेज प्रताप यादव ने कही है और आज उन्होंने जेपी यात्रा एक पदयात्रा निकाला है। देखते हैं पूरा तस्वीर। फॉलो करने का काम किया, बताए हुए रास्ते को हम लोगों ने चुनने का काम किया, छात्र के जितने नौजवान हैं और जो उस समय में 93 जो संपूर्ण जो उन्होंने अभियान को चलाने का काम किया, कई एक दल के जो आज के डेट में जिनका अलग अलग दल है, कई एक दल के उस समय नेता सब लोग एक थे, पूरे तरीके से सभी नेता थे, हमारे पिताजी सबसे आगे थे और छात्र के नेता भी चुने गए थे पटना विश्वविद्यालय से और उन्होंने पूरे तरीके से छात्र नौजवानों को एकजुट करके और लोकनायक को उन्होंने पूरे तरीके से समर्थन नौजवानों ने करने का काम किया। जेल भरो अभियान चला था, सब लोगों ने आंदोलन में उस समय में जेल भी जाने का लोगों ने काम किया था, संघर्ष करने का काम किया। आप नंगे पांव वहां से गांधी मैदान से यहां तक आए, नंगे पांव आए, इसका क्या मकसद था? हम तो घर से ही निकले हैं, हम तो माता जी से हमारी बात हो गई थी फोन पे, हम तो घर से, हम तो आशीर्वाद ले लिए हैं, लगता है आप अपनी माता का आशीर्वाद मांगे। आप नंगे पांव जेपी नंबर से उनके आवाज़ तक आप लोगों को है, तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि लोकनायक जी की आज प्रतिमा है, हमने माल्यार्पण करने का काम किया है और शिक्षा बेरोजगारी और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसी तरीके से हम पूरे तरीके से एलपी मूवमेंट लालू प्रसाद यादव मूवमेंट चलाने का काम करेंगे। क्या आप अपनी पार्टी को भी इसी तरह मजबूत करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपने पदयात्रा निकाली है? हमारी जनता ही हमारी पार्टी, हमारे छात्र ही हमारे संगठन, इसलिए पूरे तरीके सब है, सब है, जो नौजवान है किसी भी दल में जो नौजवान है वो हमारा साथी। लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठाने वाले उठाते रहे, सवाल भाजपा वाले आरएसएस वाले उठाते रहे। शिवानंद तिवारी आपकी पार्टी में नहीं है? अरे हम तो कहें भाजपा वाले आरएसएस, जयप्रकाश जी की जयंती है आज, इस सब में कोई भी पॉलिटिकल भाग। ठीक है, तेज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।